इसी के साथ रुक करते अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी के मुख्य मार्गों से हटेंगे ई रिक्शा। परिवहन आयुक्त ने सभी डीएम को भेजे पत्र, जाम की समस्या दूर करने के लिए भेजा गया पत्र। हादसों की वजह बन रहे ई रिक्शा, अब मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे ई रिक्शा। प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश, जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर हटाने के दिए निर्देश। ई रिक्शा हटाने से पहले फीडर रोड तय किया जाएगा, लिंक मार्गों से ई रिक्शा मुख्यालय तक आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां उत्तर प्रदेश के में अब जो है मुख्य मार्गों से ई रिक्शा को हटाया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने सभी डीएम को भेजे पत्र, जाम की समस्या दूर करने के लिए भेजा गया है पत्र। हादसों की वजह बन रहे थे ये ई रिक्शा, और अब मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे ई रिक्शा। प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश, जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर हटाने के दिए निर्देश। ई रिक्शा हटाने से पहले फीडर रोड तय किए जाएंगे, फिर लिंक मार्गों से ई रिक्शा मुख्यालय तक आएंगे। चलिए इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक बड़ा फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश में मुख्य मार्गों से ई रिक्शा को हटाने का, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देश में जो मुख्य मार्ग है उनसे ई रिक्शा हटाने के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जो डीएम है उनको पत्र लिखा है, ताकि जाम की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। हाल ही में आपने देखा होगा ई रिक्शे के अधिकतर स्टेशन के कारण तमाम जो महानगर है, कह लीजिए या फिर जो मेन रास्ते मुख्य मार्ग है, उन पर जाम की समस्याओं को जनता को जूझना पड़ता था, कि जिसके चलते आज परिवहन आयुक्त ने एक बड़ा निर्देश दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जाम की समस्याओं को लेकर तमाम आईपीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए थे। इसी तर्ज पे अगर बात करें तो जाम की समस्या को लेकर सभी जो जिला अधिकारियों को वो पत्र लिखे गए हैं, कि जो समस्या उससे निजात पाने के लिए ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें, लखनऊ के तमाम ऐसे महानगर है जहां पर ई रिक्शा प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ई रिक्शा वाले वहां पर जो है वहां से गुजरते हैं तो लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, जिसके लेकर आज जो है परिवहन आयुक्त ने बड़ा निर्देश दिया है। सभी डीएमओ को पत्र लिखा है जाम की समस्याओं से निजात पाने के लिए जो ई रिक्शा है उनको उस मार्ग से हटाया जाए। साथ ही प्रमुख सचिव परिवहन ने निर्देश भी जिला अधिकारियों को दिया है कि अगर किसी तरीके से जो ई रिक्शा है जहां पर प्रतिबंध है, अगर वहां पर चालक वहां से गुजरते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो काफी दिनों से हम देख रहे थे कि इस चीज को लेकर काफी ज्यादा तनातनी चल रही थी, कि ई रिक्शा चालकों का कहना था कि अगर वो वहां नहीं चलाएंगे तो उनके रिक्शा चलेंगे का। तो अब ये जब फैसला आ गया है तो ई रिक्शा चालकों का क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर ई रिक्शा चालकों की अगर माने तो लखनऊ के तमाम ऐसे महानगर हैं जहां पर अभी भी ई रिक्शा प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ई रिक्शा चालक है महानगर के अंदर जो है सवारियों के लिए वहां पर लोग अंदर निकलते हैं, जिसके कारण काफी जाम का सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन जो लखनऊ डीएमओ उसमें साफ तौर पर जिस तरीके से लिखा, उसमें आउटर जो लखनऊ आउटर है जो मार्ग को जोड़ता है वहां पर लोगों को चलाने की अनुमति दी गई है, और जो मुख्य मार्ग महानगर के है वहां पर ई रिक्शा को प्रतिबंध किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहां मुख्य मार्गों से ई रिक्शा परिवहन हटाने के आदेश परिवहन आयुक्त ने दिए हैं, और सभी डीएम को पत्र भेजकर ये जानकारी दी है कि अब मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए जाएंगे और जाम की समस्या को दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। लगातार हादसों की वजह बन रहे थे ई रिक्शा वाहन, और अब मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे ई रिक्शा। प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश, आयुक्त ने जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर ये सारे ई रिक्शा हटाने की बात कही है। बता दें, ई रिक्शा हटाने से पहले फीडर रोड तैयार किए जाएंगे, जिससे कि जो है लिंक मार्गों से ई रिक्शा को जोड़ा जाएगा और उसी मार्ग पर जो है ई रिक्शा को चलाने की अनुमति दी जाएगी। उसके अलावा मुख्य मार्गों पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं ई रिक्शा। परिवहन आयुक्त का कहना है कि लगातार जो है ई रिक्शा जाम की वजह बन रहे थे, लगातार सड़क हादसों की वजह बन रहे थे।